गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर शैला मोहन, क्लिनिकल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स, सेक्टर 14 एंड 82। आज मैं बात करूंगा पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्लर्स के बारे में। ये आम बीमारियां हैं जो बहुत कॉमनली हम अपने ओपीडी में देखते हैं। पाइल्स का मतलब होता है कि जो हमारी एनल कैनाल की लाइनिंग जब लूज होकर ढीली होकर लटकनी शुरू होती है और उसमें खून की नसें फूल जाती हैं, तो उसकी वजह से कुछ तकलीफें होती हैं, जैसे कि पेन, सूजन, खून का जाना लैट्रिन के साथ, और फाइनली उसकी वजह से कब्ज का होना या लैट्रिन पेट ठीक से साफ ना हो पाना। ये आम तकलीफ है। मेरी सभी पेशेंट से यही हिदायत है कि ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको बहुत देर तक इग्नोर ना करें। पाइल्स एंड फिशर्स की जो तकलीफें हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, ये और भी परेशानियों की वजह से भी हो सकती है। सिर्फ पाइल्स ना हो कि बहुत रेयरली कभी कभी कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ है, पेट सुबह से ठीक से साफ नहीं होता या लैट्रिन करने में दर्द होता है या खून जाता है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस परेशानी से बचने के लिए। सबसे पहला है आपके खाने पीने की जो आदतें हैं, समय से खाइए, नियमित रूप से खाइए। खाने में खूब फाइबर होना चाहिए, यानी कि हर खाने के साथ फल, सलाद, सब्जी की एक अच्छी सर्विंग होनी चाहिए। खाने में वैसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन फाइबर ज़रूर होना चाहिए। पानी की कमी ना हो, यानी कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेनिंग नहीं होती, और उससे जो है अगर स्ट्रेनिंग नहीं होगी तो इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आज के ज़माने में हम लोग इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट है उसको ना इस्तेमाल करते हुए हम वेस्टर्न स्टाइल पे बैठते हैं। जो हमारे पुराने ज़माने में जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट होता था, वो सबसे अच्छा तरीका होता था स्टूल को पास करने का, बिना ज़्यादा जोर लगाए, बिना ज़्यादा समय लगाए। अभी आजकल जो हम जैसे कुर्सी पे बैठ के स्टूल पास करते हैं, सबकी आदत होती है सुबह सुबह वहाँ जाके पेपर पढ़ लिया, फ़ोन देख लिया, बहुत देर तक वहाँ पे बैठे रहने से जो है पाइल्स बढ़ सकते हैं, एग्रेवेट हो सकते हैं। तो ये आदत से बचें। बाथरूम जाते हैं 10-15 मिनट में आप वहाँ से आ जाइए। दूसरी चीज़ जो है जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, ये जो आम परेशानियाँ हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से ठीक नहीं होती हैं तो इसको अनदेखा मत करिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और बड़ी बीमारी का अंदेशा हो। फिस्ला एक ऐसी बीमारी है जो पाइल से थोड़ा हटके, हालांकि उसकी जो तकलीफें हैं पाइल से काफ़ी मिलती जुलती है। फिस्ला का मतलब होता है, जो हम आम भाषा में भगंदर कहते हैं, कि लैट्रिन के रास्ते के बगल में एक सुराख सा बन जाता है, जिसका एक मुँह अंदर की तरफ है, एक मुँह बाहर स्किन में। दूसरी चीज़ जो है जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, ये जो आम परेशानियां हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से ठीक नहीं होती हैं तो इसको अनदेखा मत करिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और बड़ी बीमारी का अंदेशा हो। फिस्ला एक ऐसी बीमारी है जो पाइल से थोड़ा हटके, हालांकि उसकी जो तकलीफें हैं पाइल से काफ़ी मिलती जुलती हैं। फिस्ला का मतलब होता है, जो हम आम भाषा में भगंदर कहते हैं, कि लैट्रिन के रास्ते के बगल में एक सुराख सा बन जाता है, जिसका एक मुंह अंदर की तरफ है, एक मुंह बाहर स्किन में खुलता है। टिपिकली जो मरीज हैं उनको उसकी वजह से दर्द होता है, थोड़ा बहुत वहाँ से पस या ब्लड निकलता है, और कई बार क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती तो इनको लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन फिस्ला जो बीमारी है वो बेसिकली एक हमारे एनल कैनाल की एक इन्फेक्शन से शुरू होती है, जिसमें वो घाव कभी ठीक से भर नहीं पाता। ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ती है, एंड इवेंचुअली ये बिना सर्जरी के तो कभी ठीक हो नहीं सकती। आप इसको जितना डिले करेंगे वो प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, उसका ट्रीटमेंट उतना मुश्किल होता है। तो अगर किसी को ऐसी कोई परेशानी है, एक लैट्रिन के रास्ते के बगल में कोई एक फुंसी है जो हर 2-3 हफ्तों में या महीनों में उसे डिस्चार्ज आता है, तो वो फिस्ला हो सकता है। बिना डॉक्टरी जाँच के उसका डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं होता, और ना ही ये आप किसी घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई परेशानी हो, आपको डॉक्टर के पास हमेशा जाके एक बार चेक कराना चाहिए।